सीएम धामी ने राजधानी देहरादून में संघंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही एक बार फिर से 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प उन्होंने दोहराया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरे देश के अंदर आगे बढ़ रही है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो आज नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा का क्षेत्र हो। उत्तराखंड में भी साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस मॉडल हमारी सरकार विकसित कर रही है। देखिए, पहले हम जहां एक सामान्य श्रेणी में होते थे, आज हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने और कम संसाधनों में, कम साधन होते हुए भी अपने प्रयासों से आज उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के लीडर राज्य की श्रेणी में आ गया है। उत्तराखंड 2025 जो हमारा संकल्प है और कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में कैसे शामिल हों, मुझे खुशी है कि हमारे इस केंद्र ने भी 2025 के लिए अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है, एक मॉडल बनाया हुआ है और उस मॉडल को लेकर आज ये जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, ये संकल्प किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये संकल्प हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। इसलिए इस संकल्प में सबका हाथ लगना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए। देहरादून पुलिस लाइन में गौरव शक्ति के तहत आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। महिला पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय